क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आज जो है वो इनटेक्स्ट क्वेश्चन 10.4 जो है वो टेकअप करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। मैं ज़ूम कर रहा हूं कि आप जो है वो मेरी बात सुन के जो है वो साथ साथ नोट करते रहेंगे, चीजें काफी सिंप्लीफाइड जो है वो आप लोगों के लिए हो जाएंगी। सबसे पहले अमंग द आइसोमेरिक एल्केन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब हमारे पास आइसोमर्स बनाने हैं। किसके आइसोमर्स बनाने हैं? C5 और H12 के। C5H12 जो है वो एक 5 कार्बन वाला, और हम लोगों के पास क्या है, ये एल्केन है। ये चीज हम लोगों ने जो है वो आइडेंटिफाई कर ली। आइडेंटिफाई ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जिसमें सिंगल मोनोक्लोराइड जो है वो फॉर्म हो, मतलब इसको अगर हम लोग क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं, एक ही तरह का मोनोक्लोराइड जो है वो फॉर्म हो, मतलब सबका नाम जो है वो सेम हो, मतलब जिस कार्बन पे भी सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो सारे कार्बन जो है वो इक्विवेलेंट हो। अब ध्यान से समझना, देखो ये चीजें सोचने वाली सारी। अब देखो अगर इस कार्बन का जो है वो मैं अटैचमेंट ऐसे करूं, और यहां पे भी बेटा जी मैं ये CH3 करूं, इस जगह पे भी जो है वो CH3 करूं, और यहां पे भी जो है वो मैं CH3 करूं, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है। अब अगर आप इसमें आइडेंटिफाई करो ना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जो है वो बनाना है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट चाहे आप इस कार्बन पे लगा दो, देखो कैसा बनेगा ये वाला, मैं एक बार ये आपको बना के बताता हूं। CH3C यहां पे हो गया बेटा CH3, यहां पे हो गया CH3, ये हो गया मेरे पास CH2Cl, तो ये मोनोक्लोरो हो गया, मतलब एक क्लोरीन जो है वो मैंने सब्स्टिट्यूट करना है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं सिर्फ एक ही क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करूं, ठीक है, दो नहीं हो सकते, तो या तो क्लोरीन यहां सब्स्टिट्यूट होगा, या यहां सब्स्टिट्यूट होगा, या यहां पे सब्स्टिट्यूट होगा, और या यहां पे सब्स्टिट्यूट होगा, इन्हीं चारों पोजीशंस पे क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा। और आप थोड़ा सा अगर सोचो, यहां सब्स्टिट्यूट हो, चाहे यहां CH2Cl लगाओ, चाहे यहां CH2Cl लगाओ, चाहे यहां CH2Cl लगाओ, सारे CH2Cl जो है वो एक ही नाम जो है वो हम लोगों के पास दे रहे हैं। तो इसीलिए कौन सा आइसोमर है इस पेंटेन वाले मॉलिक्यूल का, वो ये वाला आइसोमर है जो हमारे पास जो है वो मोनोक्लोराइड्स जो है वो दे रहा है, और एक ही तरह के मोनोक्लोराइड्स जो है वो हम लोगों के पास दे रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो बेटा जी हम लोग 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स जो है वो हम लोगों के पास दे, और एक दे हमारे पास 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। अब 3 वाले की बात करते हैं हम लोग पहले। ये देखो ये चीजें जो है ना वो ऐसे हैं कि ये थोड़ी सी प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं ना तो काफी ज्यादा इजी हो जाती हैं हमारे लिए चीजें जो है वो सॉल्व करनी। तो यहां पे CH और ये हो गया CH2 और ये हो गया हमारे पास CH3। अब यहां पे देख लो 4 कार्बन ऐसे और एक कार्बन जो है वो मैंने ऐसे लगा दिया। अब देखो हमारे पास 3 आइसोमेरिक क्लोराइड्स जो है वो होने चाहिए। अब 3 आइसोमेरिक क्लोराइड्स कैसे बनेंगे? 1, 2 वाला कार्बन, 3 वाला कार्बन और 4 वाला कार्बन। सॉरी ये वाला जो है वो हम लोगों के पास ये 3rd वाला पार्ट जो है वो मैंने पहले सॉल्व कर दिया। अब देखो सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोगों के पास कैसे कैसे हो रहा है, या तो इस वाले कार्बन पे क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है, या इस वाले कार्बन पे क्लोरीन लग जाएगा। अगर इस पे लगता है तो वो अलग कंपाउंड बना रहा है, इस पे लगता है तो वो अलग कंपाउंड बना रहा है, इस पे लगता है तो वो हमारे पास एक अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, हाँ इस पे लगता है तो वो एक और अलग कंपाउंड का इस्तेमाल करेगा। देखो आपको अटैच कितने क्लोरीन करना है, सिर्फ एक ही क्लोरीन जो है वो अटैच करना है। एक बार इस पोजीशन पे अटैच करके देखो, एक बार इधर करो, एक बार इधर करो, एक बार इधर करो, तो 4 अलग अलग तरह के मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोगों के पास जब फॉर्म हो गए हैं, तो ये 4th वाला, मतलब ये 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स जो है वो इस केस में फॉर्म हो रहे हैं, और ये हमारे पास जो है वो 3rd पार्ट का आंसर जो है वो हो गया, ठीक है। अब मैं अगर यहां पे बेटा जी 2nd पार्ट जो है वो सॉल्व करूं, तो 2nd पार्ट में 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स चाहिए, तो इसका ना एक काम करते हैं, एक बार ये सारे एक लाइन में लगा के देखो। CH2 ये बनेगा CH2, फिर बनेगा CH2, फिर बनेगा क्या CH3। एक बार क्लोरीन जो है वो इस पोजीशन पे, एक बार क्लोरीन जो है वो इस पोजीशन पे, एक बार क्लोरीन जो है वो इस पोजीशन पे लगा दिया हमने। यहां तक 3-3 क्लोरीन एक एक बार करके सब्स्टिट्यूट कर दिए। जब मैं इस पोजीशन पे दोबारा लगाऊंगा ना, तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन इक्विवेलेंट है, क्योंकि कॉर्नर से 2nd नंबर, यहां पे भी कॉर्नर से 2nd नंबर। और ऐसे ही अगर मैं इस वाले कार्बन पे दोबारा लगाऊंगा ना, तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन जो है वो हम लोगों के पास इक्विवेलेंट है, मतलब सेम ही कंपाउंड का हम लोगों के पास जो है वो फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये जो है वो हमारे पास 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स जो है वो दे रहा है, ये हम लोगों के पास 4
आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स जो है वो फॉर्म कर रहा है, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के पास जो है वो सिंगल एक ही मोनोक्लोराइड जो है वो फॉर्म कर रहा है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सोचोगे कि यार अपने को एक ही क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो सोच के जो है वो आप इस चीज को आंसर कर सकते हो। या एक और वे है इसको अप्रोच करने का, आप पहले पेंटेन के तीनों आइसोमर्स जो है वो बना लो, ठीक है। अब देखो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं, आपको लग रहा होगा यार मैंने इसको ना रॉ अप्रोच किया, जैसे पहले से आंसर पता हो तो इसलिए जो है वो सीधा लिख दिया। तो आप अगर इसको अप्रोच कर रहे हो ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप पहले पेंटेन के आइसोमर्स बना लो। अब पेंटेन के ना यहां पे हमारे पास एक ये आइसोमर बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है, तीन ही आइसोमर्स हमारे पास पेंटेन के बन रहे हैं। अब देख लो वहां पे काउंट कर लो कि कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। जब ये आपके सामने होगा तो यहां पे आपको समझ आ गया कि यार यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है। जब ये आपके सामने होगा तो यहां पे चार हो रहे हैं, जब ये आपके सामने होगा तो यहां पे जो है वो तीन हो रहे हैं। फिर इन डिफरेंट आंसर्स को इसके साथ जो है वो मैप कर देना, वैसे भी जो है वो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेटर वाला मेथड जो मैंने अभी बताया कि पहले आप आइसोमर्स जो है वो हम लोगों के पास पेंटेन के ड्रॉ कर लो, उन आइसोमर्स को ड्रॉ करने के बाद जो है वो बेटा जी आप आइडेंटिफाई कर लो कि कितने मोनोक्लोरो टोटल प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहे हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब।